हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे सैलेड की रेसिपीज। तो जब भी हम सैलेड सुनते हैं, हमारे माइंड में जस्ट नॉर्मल कुकुम्बर कट करके हो गया, अनियन कट करके हो गया, फिर टोमेटो कट करके हो गया, यही हमारे माइंड में आता है। बट अगर आप सैलेड को एक टेस्टी फॉर्म में बनाओगे, एक हेल्दी फॉर्म में बनाओगे, तो वो भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। साथ साथ आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी, और जितना आप खाते हो उससे आप कम खाओगे, क्योंकि सैलेड्स में फाइबर होता है बहुत अच्छी क्वांटिटी का। सो सैलेड हमें काफ़ी देर तक ऐसा फील करवाते हैं कि बस काफ़ी फुल फील हो रहा है, नहीं मन है कुछ एक्स्ट्रा खाने का। एंड स्पेशली जब समर्स में हम बात करें, तब हमें मन करता है कुछ ठंडा खाने का, कुछ अच्छा खाने का, जिससे हमें अच्छा फील हो। उसके अलावा सैलेड का एक, सब लोग बोलते हैं सैलेड हमें पहले लेना चाहिए खाने से, तो उसका रीज़न ये है, सैलेड जो है वो आपकी बॉडी में ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। और जब फूड पहले जो आप फूड लोगे वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, तो जब आप अपनी हैवी मील लोगे तो वो भी साथ में डाइजेस्ट हो जाएगी उसके बाद। बट अगर आप डायरेक्टली हैवी मील लोगे तो आपको गैस का इशू हो जाएगा, ब्लोटिंग इशू हो जाएगा, जो आप नहीं चाहते हो। तो इसीलिए आप सैलेड लो पहले, उसके बाद अपनी मेन मील लो। अब सैलेड में आप नॉर्मल अगर सैलेड खा के बोर हो चुके हो तो मेरी ये रेसिपीज आपको चेक करनी है। इसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से सैलेड बनाया है जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, आई अश्योर यू। सो लेट्स चेक आउट द रेसिपी। सबसे पहले हम फर्स्ट सैलेड बनाते हैं। इसके लिए हम लेंगे कुकुम्बर, अराउंड 2 स्लाइसेस ऑफ कुकुम्बर, देन कैरेट, हाफ कैरेट। उसके बाद हम लेंगे अनियंस, एंड आफ्टर दैट हम लेंगे बेल पेपर। अगर आपके पास बेल पेपर नहीं है तो आप कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हो। आफ्टर दैट हम लेंगे येलो बेल पेपर। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटोस, एंड हमें इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। ये आप अपनी मील के साथ भी ले सकते हो। अगर आप मील्स के साथ सैलेड लोगे तो आप कंपैरेटिवली थोड़ा कम खाओगे, बिकॉज़ ये आपको बहुत देर तक फुल फील करवाते हैं, एंड साथ में इसमें फाइबर भी होता है। इसके बाद हम इसमें अपने मसाला ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, जस्ट पिंच। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला थोड़ा सा, एंड लास्ट हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक सॉल्ट, एंड दिस इज रेडी। जस्ट हमें इसको मिक्स करना है। अगर आपको सैलेड ठंडा खाना पसंद है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी लगा सकते हैं। एंड लुक हाउ डिलीशियस इट इज। अब हम बनाते हैं हमारा सेकंड सैलेड, जिसके लिए हम लेंगे रेड कैबेज। इसकी जगह पे आप ग्रीन कैबेज भी ऐड कर सकते हो। के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियंस। अगर आपको सैलेड नहीं पसंद तो आप सैलेड की जो वेजीज हैं वो थोड़ा अच्छे से कट करा करो, उससे जो सैलेड का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। और अगर सैलेड का टेस्ट इन्हांस होगा तो हमें सैलेड अच्छा लगेगा ऑफकोर्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेल पेपर, नेक्स्ट बेल पेपर, कर देंगे मिक्स 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 अच्छे से। अब हम इसकी ड्रेसिंग करेंगे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप इस तरीके के सैलेड बना रहे हैं। सो, इसकी ड्रेसिंग के लिए मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर रखी है। ये रही मेरी ड्रेसिंग। इसमें मैंने 2 स्पून सोया सॉस ली है, उसके बाद मैंने सेसमे सीड्स ली है अराउंड 1/2 स्पून, उसके बाद थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड किया है, जस्ट दैट। और अगर आप चाहो तो आप हनी भी ऐड कर सकते हो। अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे, एंड आफ्टर दैट इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड बिलीव मी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है।
इसको आप एज अ मिड मील्स भी ले सकते हो, जब भी आपका मन नहीं है, नहीं मुझे फ्रूट्स नहीं खाने, मुझे सैलेड ही चाहिए कुछ अच्छा सा, बिकॉज नॉर्मल सैलेड खा खा के आप बोर हो चुके हो. सो दिस इज़ द वन एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली रेडी.